से आपने कहा कि कंगना फिल्म एक्ट्रेस बड़ी खूबसूरत, कभी देखने का मौका मिला कंगना की फिल्में? कंगना की फिल्में देखने का वैसे शौक है। कौन सी देखी, गैंगस्टर, क्रिश, तनु वेड्स मनु? तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु देखी। कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी एक्टिंग। जीत अगर आपकी होती है सीटों पे तो पहले हिमाचली सेब खाएंगे या कंगना की मूवी? कंगना की मूवी भी देखेंगे और सेब भी खाएंगे सर। एलिगेशन है ना करप्शन के वीरभद्र जी के खिलाफ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उसका बेनिफिट आपको मिला है? हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, सब लोगों की राय के बाद ही मुख्यमंत्री बनाती है। एक जो बार बार लालचन लगता है कि प्रियंका जी ने अपने यहाँ पे मकान बना लिए और सिर्फ हिमाचल को एक टेरिटरी की तरह यूज किया। गांधी परिवार का कोई एक घर तो बताइए कि कहाँ है अपना बनाया हो। Right now I am in Hamirpur and in the settings of these beautiful hills that you see around me is none other than the Chief Minister whose career I have followed over the last 14 years or so. Sukhinder ji, Sukhu sahab, mera aapka career tab dekha जब आप अपोजिशन में होते थे, मुझे वो दौर भी याद आता है, आप बड़ी ज़बरदस्त फाइट और फाइट बैक करते थे। आज लेकिन हमीरपुर में वो स्थिति है कि यू हैव टू ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन द प्रेस्टीज इशू, बिकॉज चार जो MLA हैं जो रिज़ाइन करके कांग्रेस से, उनको भी वो सीट्स भी आपको बचानी है, और दूसरा हमीरपुर में एक ये एक प्रेस्टीज इशू हो गया कि दोबारा से जो अनुराग ठाकुर जी जीतते हुए आ रहे हैं उसको आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है पहले वो MLAs वाला और ये वाला? देखिए, MLA का चुनाव भी है और पार्लियामेंट का भी चुनाव, ठीक है, ये अब आम जनरल इलेक्शन नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार जयराम ठाकुर जी ने नोट के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की है, हिमाचल की जनता उसको पसंद नहीं करती है। हिमाचल की हम देवभूमि में ये पहला मौका है कि 5 साल के चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास हुआ है, और मुझे लगता है 1 जून को हिमाचल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, और उसका जो माहौल है वो बना हुआ है, और निश्चित तौर पर हम सभी सीटें जीतेंगे। सुखू जी, क्योंकि अगर मैं 2022 के चुनाव की बात करूं, उसके बाद जब ये हादसा हुआ कि 6 MLAs अचानक से रिज़ाइन कर गए और 3 इंडिपेंडेंट भी, तो वो जो एक डामाडोल सी सिचुएशन है, ये लोग बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो 34 पे आके अटक गई 68 में से, कल को ये 6 जीत जाएं और वो 3 भी जीत जाएं तो ये सरकार बना के सेल थ्रू कर जाएंगे। ये तो भविष्य की चर्चा क्यों करनी है, अभी तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। 34 है हमारे, 25 हमारे उनके, और हम 6 के 6 जीत के 40 हो रहे हैं। 6 आप जीत रहे हो? 100%। और अगर वो जीत गए फिर? तो फिर क्या है, वो जीतेंगे नहीं, हिमाचल के लोग नहीं पसंद करते। सवाल मेरा नहीं है, सवाल जो उनका वोट से जो विधायक बना है उन्हें, जनता ने अपना वोट भी सुरक्षित करना है। इस बार जो चुनाव है वो जनता की ताकत लड़ रही है, इस बार जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। चलिए मंडी पे आते हैं, एक बड़ी हॉट सीट है हमीरपुर तो हो गया था, मंडी में कंगना रनौत जी के खिलाफ जब शुरू में बयानबाजी हुई, वो विड्रॉ करी गई, इवन कि कांग्रेस को प्रेशर में आके वो स्टेटमेंट्स को अटैक करना पड़ा कि बचाना पड़ा डिफेंस में आके, तो वो आपको लगता है कि इट शुड हैव बीन अवॉइडेड एट दैट स्टेज, बिकॉज आपने भी बयान दिए कि आफ्टर ऑल गर्ल्स आर गर्ल्स, वुमेन्स रिस्पेक्ट, डिग्निटी हैज टू बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, तो वो बयान कंगना के फेवर में जा रहे हैं कंगना के आज भी? देखिए, मैं बयानों पर ना जाकर ये कह सकता हूँ कि कंगना अच्छी हीरोइन हो सकती है, लेकिन राजनीति में मैं चंद दिन पहले आकर भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं के खिलाफ उन्होंने टिकट लिया है, कार्यकर्ताओं में रुष्टता है, उसका लाभ होगा और कांग्रेस मंडी सीट जीतेगी। लेकिन अगर मैं विक्रमादित्य की भी बात करूँ सुखू साहब, मुझे वो दौर भी याद है कि जब खुद पार्टी के अंदर एक रिवोल्ट था, उनको लेके भी बड़े सारे लीडर्स आपके साथ में, चाहे वो विद्या स्टोक्स हों, चाहे वो बाकी लोग हों, सब ने ये उस समय कहीं ना कहीं ये कहा था कि जो एलिगेशन है ना करप्शन के वीरभद्र जी के खिलाफ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और शायद उसी का जो एक
सपोर्ट है वो आपको मिल गया क्योंकि आपकी क्लीन इमेज थी, आपके ऊपर एलिगेशन थे नहीं, सारा टेंट करप्शन का विक्रमादित्य और उनकी फैमिली में था, तो डर था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कि कहीं इनको बना दिया मुख्यमंत्री, प्रतिभा जी को बना दिया, प्रतिभा जी को सीट दे दी, फिर विक्रमादित्य को कुछ बना दिया बड़ा, तो एलिगेशन ईडी वाले दोबारा से वापस आ जाएंगे और उसका बेनिफिट आपको मिला है। देखिए हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, सब लोगों की राय के बाद ही मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन मंडी सीट में सबसे ज़्यादा काम मैंने आपदा के लिए किया। पार्लियामेंट सीट में हम लाहौल स्पीति में भी वहाँ एक किन्नौर बाई इलेक्शन हो रहा है वो हम जीत रहे हैं, और जब आपदा आई तो सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहे हैं कि फ्लड रिलीफ का जो पैसा है वो सारा आपने उड़ा दिया, जाने नहीं दिया। नहीं, नियम होते हैं, प्रधानमंत्री ने क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी मुझे समझ नहीं आता, कोई पैसा ऐसे नहीं उठता जी, नियम है, कानून है, दायरा है, उसके हिसाब से सरकारें चलती है। लेकिन आपदा का सबसे ज़्यादा राहत भी अगर मंडी में बटी है, और मंडी के लोगों को मैं जब वहाँ कंपेन किया 4-5 दिन पहले तो एक भावनात्मक जुड़ाव है हमारा लोगों के साथ भी है, और अब मुझे लगता है कि माहौल बन चुका है, कन्वर्शन होना है 1 जून को, और देखते हैं अब कितना ज़्यादा हम कन्वर्ट करवाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। सुखू साहब, क्योंकि आपकी जो सरकार जब वापस आई थी ना, मैं यहाँ पे बड़ा कैंपेन को कवर करने आया और आपको भी बड़ा इंटरव्यू किया उस दौर में, मुझे याद है आपसे मुलाकातें हुई, तो वो दौर मुझे याद आता है कि तब सारा जो फलक्रम था वो OPS को लेके था। आज आप ज़रूर 1.36 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप कहते हैं कि आपने दे दिया, लेकिन वो जो 1500 वाली रकम वाली बात है वो क्या सच में पूरी होगी? क्योंकि कई बार अभी मैं बात कर रहा था तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ नहीं रहा कोई हमारे पास में मुआवजा 1500 का जो लड़कियों को बोला गया, क्योंकि बजट नहीं है नहीं। और ये इकोनॉमिक जो स्टेट अभी जो क्राइसिस चल रहा है हिमाचल का, इतनी ज़्यादा पुअर है फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो स्पेस नहीं है क्योंकि लोन्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, डेट इतना है हिमाचल पे। देखिए मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने इकॉनमी में 20% का सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया, जो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार के समय भ्रष्टाचारी लूट ले जाते थे। 800 करोड़ रुपए की इस योजना को हमने शुरुआत कर दी है, योजना तो बीजेपी ने और चुनावियों ने लगाई है, तो चल रही है। 2,37,000 महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो गया, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पूरा 1500 मिलना शुरू हो गया, और जब एक मुख्यमंत्री कह रहा है तो निश्चित तौर पर उसके लिए बजट है और उसको करवाएंगे जी। अच्छा, क्योंकि ये जो पूरा सिलसिला हुआ था MLA's के रेजिग्नेशन का, वो अभिषेक मनु सिंघवी को लेके हुआ था, वही पूरी इस वो धुरी बने हुए थे इस पूरी कंट्रोवर्सी की, तो आज काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी में चले जाएं, आम आदमी पार्टी उनको नॉमिनेट कर दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो बेल जमानत मिली है अभी इंटरिम, वो उनकी फाइट की वजह से मिली है, तो आपको अफसोस होगा कि आप उनको नहीं दिला पाए और वो आप में चले जाएँ? तो फिर ये अफसोस तो है कि मेजोरिटी होने के बाद भी वो चुनाव हार गए, लेकिन इनकी नाराजगी थी, ये शुरू से ही कुछ लोग मंत्री बनना चाहते थे, कुछ को सरकार ने लालच दे दिया, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान ने जो किया वो ठीक किया होगा। अभिषेक मनु सिंह जी का हारने का मुझे दुख है जी, तो लेकिन वापसी दोबारा कभी हो सकती है हिमाचल से? अब बिल्कुल होगी, अब तो हर चीज़ फूक, हर कदम फूक फूक कर रखेंगे लेकिन अगर मैं बात करूं आज हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर की, आप मौजूद हैं, आपका और दो दिग्गज लीडर आते हैं हमीरपुर से, आप और अनुराग ठाकुर बड़े बड़े, एक बन गए INP मिनिस्टर, एक के फादर CM थे, दूसरा खुद CM बन के बैठ गया, इतने बड़े दिग्गज लीडर। पॉलिटिक्स तो यही होती है असली, कि जब आप फाइट और फाइट बैक से उठ के आते हो, आपने वो करिश्मा करके दिखा दिया हमीरपुर से, तो आज जब कंपैरिजन होता है दो लीडर्स का, दोनों बड़े सक्षम हैं, एक से एक बढ़कर, दोनों पावरफुल, दोनों के अंदर क्षमता आगे बढ़ने की, क्या लगता है अनुराग ठाकुर जी के बारे में? क्या एक कंपटीशन भी है, एक क्योंकि सेम स्टेट से निकले आप लोग? नहीं, इस वक्त बदलाव है, अनुराग जी का ये 5वां इलेक्शन बहुत मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है, और निश्चित तौर पर जनता को, लेकिन मुझे ग्राउंड पे वैसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि टफ है। नहीं, आपको ग्राउंड पर महसूस नहीं हुआ, आप ही पूछ लोगे अभी महसूस हो जाएगा। अच्छा, महसूस हो जाएगा आपको, आप ग्राउंड में और चाय पीजिए
फिर पता लगेगा आपको कहाँ है। किसी दुकान में जाइए, पक्का निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल है। सुखू जी, मैंने जब आपने सीएम की ओथ लेनी थी ना, आपकी दो डॉटर से बातचीत हुई, मैं बड़ा हैरान रह गया कि एक फादर के हैसियत से आपने दो बेटियों को रेज किया। बड़ा खूबसूरत वो दिन था जब उनसे मुलाकात हुई। आप एक छोटे से हिमाचल भवन में बैठे हुए थे जब अनाउंसमेंट आ रही थी और वो रूम से बाहर आ रही थी, मेरी आपसे मुलाकात हुई करीब 15-20 मिनट की। तो आज वो फादर के हैसियत से ज़्यादा गर्व होता है कि उन दो बेटियों को का फादर सीएम बन गया, या लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए जो लड़ाई लड़ी फैमिली से हट के भी पॉलिटिक्स का करियर, वो करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखियो, पॉलिटिक्स मेरी पहले थी, बेटियां तो मेरी शादी के बाद आई है। अब बेटियां हमारी, तब मैं मुख्यमंत्री थोड़ी था, तो उनको नेचुरली बच्चों को गर्व होता है कि हमारे पिताजी चीफ मिनिस्टर बन गए, अच्छी बात है। अब वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिल्ली में, दिल्ली में है दोनों बेटियाँ। अच्छा। और दोनों वहाँ पढ़ाई कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पढ़ाई अभी उनका पहला ध्येय होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा। दूसरा सर, क्योंकि बेटियों की बात हो ही रही है, तो वैसे आपने कहा कि कंगना फिल्म एक्ट्रेस बड़ी खूबसूरत हैं और अच्छा एक्टिंग तजुर्बा बड़ा अच्छा है, कभी देखने का मौका मिला कंगना की फिल्म में? देखो, कंगना के पापा जो थे वो कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट के जी, उनके पिताजी जी, मैं PCC अध्यक्ष होता था। अच्छा। कंगना की फिल्म में भी देखने कोई ऐसा बात थोड़ी, हीरोइने देखती है, फिल्म में देखने का वैसे शौक है। कौन सी देखी, गैंगस्टर, क्रिश? गैंगस्टर तनु वेड्स मनु देखी। कैसी लगी? अच्छी थी, अच्छी एक्टिंग की थी। इट्स अ गुड मूवी। हाँ, अच्छी मूवी थी। इट हैज अ लॉट ऑफ कॉमिक डायलॉग्स एंड स्टेटमेंट्स विद माधवन एंड, पर ऐसा ना उनको डायरेक्टर अच्छा नहीं मिला है मंडी में ना। हाँ। जो उनके डायरेक्टर है ना जयराम ठाकुर जी, जो उनके स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं और शूटिंग की जो लोकेशन फिक्स कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं है। तो जब डायरेक्टर अच्छा ना हो, फिल्म टॉप, हीरोइन टॉप की भी हो, स्टोरी टॉप की भी हो, तो फिल्म का फ्लॉप होना। लेकिन कई बार मैंने देखा डायरेक्टर फ्लॉप डायरेक्टर्स की मूवी हिट हो जाती है। नहीं, फिल्म फ्लॉप डायरेक्टर की मूवी फ्लॉप हिट नहीं होती, चाहे सुपरस्टार भी क्यों ना हो। अच्छा। और कई बार उल्टा भी होता है, सुपरस्टार्स की भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। सुपरस्टार फेल हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टर ही फेल मिला हो तो नेचुरली है फिर उस तरह से नहीं आगे बढ़ सकता है। डेब्यू डायरेक्टर भी कई बार बड़ी अच्छी मूवी दे गई, ये जवानी है दीवानी यहीं पे शूट हुई थी। नहीं नहीं, वो तो नेचुरली है, अच्छा डायरेक्टर ना पहली हीरोइन को भी टॉप की हीरोइन बना देता है। अच्छा। दूसरा एक, मैं इस बात से बड़ा हैरान रहता हूँ कि सुखू साहब, जब कैबिनेट बना ना, तो कई बार आपसे मेरी डिस्कशन होनी थी शुरू में, आपने बोला कि नहीं, ये सारे जो डिसीजन हैं वो राजीव शुक्ला जी लेंगे। तो ऐसा क्यों कि कांग्रेस पार्टी में आज सीएम क्यों नहीं लेना चाहते हैं डिसीजन? सीएम तो इंडिपेंडेंट होते हैं और आप तो एक बड़े तजुर्बे वाले रहे कांग्रेस से, ये वो कांग्रेस है हिमाचल की जिसने हमें विद्या स्टोक्स भी दी, जिसने वीरभद्र भी दिए, जिसने आप भी दी, जिसने बाली भी दिए, जिसने आशा कुमारी भी दी, इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर यहाँ से निकलते गए, तो इंडिपेंडेंस तो आपकी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो उस समय उन्हीं के हाथ में था ना फैसले करना। और अब? अब मैं जो पब्लिक के हित के फैसले होते हैं मैं खुद करता हूँ, कैबिनेट करती है, मंत्रिमंडल से चर्चा करके आगे बढ़ा जाता है, और कई अच्छे फैसले हम कर रहे हैं। 15 महीने में हमारी सरकार के कार्यकाल को भी लोग वोट डाल रहे हैं। आपदा में हमने युद्ध स्तर पर काम किया, वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की, नीति आयोग ने प्रशंसा की, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रशंसा की, हमने नहीं वो तो इसलिए करी क्योंकि उनको टिकट नहीं दी थी बीजेपी ने, उसने कहा चलो। तो मैं मुख्यमंत्री बन गया था, आपदा का थोड़ी उनको पता था कि 6 महीने बाद आपदा आएगी। अच्छा। दूसरा सुखू जी, एक मैं आपसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो धार्मिक स्थलों पर बड़ी ज़बरदस्त रोप वेज बने, कहीं पर जाके भगवान शिव की उन्होंने मंदिर को अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा प्रमोट किया, तो आपको लगता है कि ना कहीं आपका भी एक प्रोजेक्ट रहेगा धार्मिक स्थलों को? देखो, हिमाचल प्रदेश में हर जगह धार्मिक स्थल है, और हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों को क्या सब जगह को हमारा उद्देश्य कठिन है,
आप देख लीजिए ज्वाला जी जाइए, वहाँ पे बड़ा जाना कठिन है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी भी वहाँ पे एक्सेस नहीं है। नहीं, वो अभी धीरे धीरे हम उसमें टूरिज्म सेक्टर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहली बार टूरिज्म का हमने 3,000 करोड़ का बजट रखा है, उसमें खर्चा चल रहा है। अच्छा, तो उसमें तो ये एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो जाएगा, हेलीपोर्ट्स बन रहे। अच्छा, हेलीपोर्ट्स वो कब तक है चांसेस? नहीं, वो काम स्टार्ट हो चुका उसका। अच्छा, सब जगह हो चुका है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सब जगह करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मतलब 70% हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कवर हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ ऐसे ऐसे ज़िले किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो वहाँ पे आपको लगता है कि कोई थ्रस्ट है अभी, क्योंकि स्नो से कट ऑफ रहता है 6 महीने, तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे 6 महीने तो विकास होना, तो विकास पे भी आपका कोई फोकस? वो अब बहुत एवरी हम 6 महीने नहीं तो 10 मंथ कनेक्टिविटी है लाहौल स्पीति। अच्छा, इट्स इजी टू गो देयर बिकॉज मेनी पीपल स्टिल? स्पीति इज डिफरेंट, लाहौल इज डिफरेंट। करेक्ट, तो स्पीति इज टोटली डिफरेंट। जी जी, मैं तो दोनों जगह भी हूं। तो स्पीति इज टोटली डिफरेंट एंड यू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्पीति? बिल्कुल। एंड हिमाचल में स्नोबोर्ड एरिया जो है वो स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। आज भी बर्फ दिखती है आपको। जी, आप अभी जाइए बर्फ से लदे हुए पहाड़ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, क्योंकि सुखू जी एक समय जब अनुराग जी थे, ये लोग थे, इन लोगों ने स्टेडियम पे बड़ा फोकस किया, IPL पे और क्रिकेट पे, तो आपका भी स्पोर्ट्स पे कोई फोकस है आज हिमाचल के लिए? 15 महीने में अभी तो मेरा जनता और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में था। ठीक है, हमने वो ठीक किया। जब 20% का सुधार हम पहले साल में ला सकते हैं, 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 32 में हिंदुस्तान का समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। पर उसमें आपको डेफिनेटली यू नीड टू बेल योर स्टेट आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, निकलना शुरू हो चुकी है, तभी तो हम बांट रहे हैं। अच्छा, हाँ, 2200 करोड़ रुपया है तो बांटा ही है ना। करेक्ट। नहीं, पर वो इतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर मैं आपकी नेबरिंग स्टेट्स की बात करूँ ना, पंजाब 2200 करोड़ बांटना भी इतनी देखिए नेवरिंग नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट में आज अब पहले जो ड्रेल हो रही थी इकॉनमी, उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी, तो नेचुरली उस अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। और वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप अप दिस इंटरव्यू, दैट व्हेन यू मीट लीडर्स लाइक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी टुडे, तो एक जो बार बार लालचन लगता है कि प्रियंका जी ने अपने यहाँ पे मकान बना लिए और सिर्फ हिमाचल को एक टेरिटरी की तरह यूज़ किया, वो आपको लगता है दैट एलिगेशंस इज रॉन्ग बाय द बीजेपी और देयर इज सम ग्रेन ऑफ ट्रूथ दैट दिस वाज ऑलवेज यूज्ड एज अ हिल वेकेशन स्टॉप बाय द गांधी फैमिली? दो चीज़ें हैं, एक तो वो अब हिमाचली हो गए हैं क्योंकि 15 साल बाद उनको बोनोफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट मिलता है, 20 साल उनका घर बना के हो गए। अच्छा, हिमाचल अगर वो बनाना चाहे तो बोनोफाइड हिमाचली हो सकती है। दूसरा, गांधी परिवार का कोई एक परिवार का कोई एक घर तो बताइए कि कहाँ है अपना बनाया हो कोई। अब पहला अगर किसी ने घर बनाया तो उस पर इतनी चर्चा नहीं होनी चाहिए, 20 साल पहले बनाया है तो 20 साल पहले बनाया है तो अच्छी बात है ना, हिमाचल को कई फायदे होते हैं, टूरिज्म सेक्टर को फायदा होता है, लोग चर्चा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर यहाँ था, इनका तो अच्छी बात है। पर वाजपेयी जी ने मनाली में हाइकिंग के लिए और पैराग्लाइडिंग के लिए बड़े काम किए, तो जो अटल टनल जिसका नाम रखा सोनिया गांधी जी ने, उसका नींव पत्थर रखा था, स्वीकृति उसको सोनिया गांधी जी ने दी थी, उसका नाम था रोहतांग टनल, पर उस समय हमारी सरकार बदल गई, आधी सुरंग बन चुकी थी, इनके समय सरकार बनी, तो वो हमारे समय की बनी हुई है। अच्छा, तो ऐसी नहीं है, तो इससे बड़ी चीज हो सकती है? चलो एक रैपिड फायर फटाफट कर दें, जीत अगर आपकी होती है सीटों पे, तो चारों पे अगर होती है, तो पहले हिमाचली सेब खाएंगे या कंगना की मूवी? नहीं, सभी सीटें जीतेंगे, कंगना की मूवी भी देखेंगे और सेब भी खाएंगे साथ। नहीं, ज़्यादा पहले दोनों सेब के साथ मूवी भी देखेंगे। अच्छा, और दूसरा वीरभद्र सिंह की फैमिली का, वीरभद्र सिंह की फैमिली से कैबिनेट में कोई आएगा कभी? क्यों नहीं आएगा, हमारे परिवार के लोग आएंगे। नहीं, अगर एलिगेशन चल रहे हैं ईडी के, फिर कैसे आ जाएगा? नहीं, कोई ऐसे आजकल ईडी तो और CBI तो अब वो चीजें नहीं, एलिगेशन तो तब के हैं जब कांग्रेस की सरकार थी सर, LIC पॉलिसी स्कैम है, इनका मायने नहीं रखता क्योंकि जेल भी जाना है या नेताओं ने ऐसे समय में तो वहां से उतरते। चलिए, तो सर आप कंगना की मूवी जरूर देखेंगे जीतने के बाद में भी, सेब भी खाएंगे, सब देखेंगे, सबकी मूवी देखेंगे। सो दैट वाज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर स्पीकिंग टू मी हियर इन हिज ओन होम टर्फ हमीरपुर। कीप फॉलोइंग मी रोहन दुआ ऑन द न्यू इंडियन।
वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ